हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज का हमारा टॉपिक है रिव्यू ऑफ टेक्निक ऑफ आईपीआर। आपको आईपीआर की टेक्निक रिव्यू यहाँ पे करनी है, किसके थ्रू? जोहारी विंडो। ठीक है, जोहारी विंडो क्या होता है आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जोहारी विंडो इज़ ए विजुअल टूल दैट हेल्प द पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्फ एंड अदर एंड इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप। जोहारी विंडो क्या है? एक विजुअल टूल्स है जिसको हम देख सकते हैं। ये क्या हेल्प करता है? हेल्प पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्फ। ये पीपल जो अदर पीपल हैं उनको भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है एंड खुद को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि हमारी क्या पर्सनैलिटी है, मुझे क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए एंड इससे कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होता है। द जोहारी विंडो मॉडल, इन्होंने एक मॉडल दिया था जो कि ये एक विंडो है। ठीक है, ये विंडो टाइप में है जिसमें चार इसमें क्वाड्रेंट है। पहला है ओपन एरिया, सेकेंड है ब्लिंट एरिया, हिडन एरिया, अननोन। इसमें क्या होता है, ओपन एरिया में लिखा है हाउ टू अदर एंड नॉट टू सेल्फ। इसमें आप अपने बारे में भी जानते हो और आप दूसरों के बारे में भी जानते हो। ब्लिंट एरिया में क्या है, ब्लाइंट एरिया में नॉट नॉन टू सेल्फ, इसमें आप अपने बारे में नहीं जानते हो। ब्लाइंड क्या होता है, ब्लाइंड पर्सन होता है उसको वो खुद को नहीं देखता है और दूसरों की चीज़ें उसको दिखती हैं, तो इसमें यही बताया गया। ब्लाइंड स्पॉट में वो खुद को नहीं जानता है, बस दूसरों के बारे में जानता है। नेक्स्ट है हिडन एरिया। वो हिडन एरिया में क्या करता है, वो खुद को अंडरस्टैंड करता है पर जो अदर पीपल होते हैं उनको अंडरस्टैंड नहीं करता है। अननोन में ना तो वो खुद के बारे में जानता है ना दूसरों के बारे में जानता है। ए जोहारी इज रिप्रेजेंटेड एज ए कॉमन विंडो विथ फोर पैंस। इसमें इन्होंने एक विंडो मॉडल प्रेजेंट किया था जो कि अभी हमने देखा। सबसे पहले हम ओपन एरिया को डिटेल में पढ़ेंगे। हेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन, हिज एटीट्यूड, बिहेवियर, इमोशन, फीलिंग, स्किल एंड व्यू विल बी नो द पर्सन एज वाई अदर। इसमें ओपन एरिया में वो क्या इन्फॉर्मेशन रहते हैं, उसमें एटीट्यूड के बारे में, उसका कैसा बिहेवियर है, उसकी फीलिंग क्या है, उसकी स्किल क्या है, उसका इमोशन क्या है एंड वो अदर पर्सन के बारे में भी चीज़ें अंडरस्टैंड करता है। ब्लाइंड एरिया में क्या होता है, पर्सन खुद को अंडरस्टैंड नहीं करता है, दूसरों को वो अंडरस्टैंड करता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ दैट अदर नाउ इन ग्रुप बट यू विल अनअवेयर ऑफ इट। वो अपने आप से अनअवेयर होता है, वो दूसरों के बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंड करता है। द ब्लिंट स्पॉट रिड्यूस फॉर एफिशेंट कम्युनिकेशन थ्रू द सीकिंग फीडबैक फ्रॉम अदर। वो दूसरों से फीडबैक लेके अपने आप को वो डेवलप कर सकता है, जैसे कि वो अपने फ्रेंड से पूछ सकता है, जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे पूछ सकता है कि मेरी पर्सनैलिटी में क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए, तो वो दूसरों से अपना फीडबैक ले सकता है। नेक्स्ट है हिडन एरिया। हिडन एरिया में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन दैट नॉट टू यू बट विल कीप्ड अननोन फ्रॉम अदर। इसमें आप अपने बारे में तो जानते हो, हिडन मतलब कुछ छुपा के रखना, जैसे कि कोई चीज़ है वो आप खुद को पता है, बस आप दूसरों को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हो, दूसरों को नहीं बता रहे हो, तो वो आपका हो जाएगा हिडन एरिया में। अननोन, ना तो आप खुद के बारे में जानते हो ना आप दूसरों के बारे में जानते हो। द इंफॉर्मेशन विच आर अनअवेयर टू योर सेल्फ एज वेल एज अदर। खुद के लिए भी अननोन होते हो और दूसरे के लिए भी अननोन होते हो। दिस इंक्लूड द इंफॉर्मेशन, फीलिंग, कैपेबिलिटीज़, टैलेंट। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, फीलिंग, कैपेबिलिटी एंड टैलेंट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि वन लाइन में इसको आप कैसे याद रख सकते हो। जैसा कि ओपन एरिया हो गया तो उसमें क्या होता है, नॉन टू अदर नॉन टू सेल्फ। आप दूसरों के बारे में भी जानते हो, खुद के बारे में भी जानते हो चीज़ें कि मुझे क्या क्या, मेरी क्या पर्सनैलिटी है और मेरा क्या टैलेंट है, मेरा क्या फीलिंग है, बिहेवियर है, और दूसरों का भी आप जानते हो। ब्लाइंड एरिया में क्या होता है, अननोन टू सेल्फ। आप अपने बारे में नहीं जानते, आपको नहीं पता होता कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, बट आप दूसरों से अपना फीडबैक लेके आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। अननोन, अननोन टू अदर अननोन टू सेल्फ। आप अपने बारे में भी नहीं जानते हो, आप दूसरे के बारे में भी नहीं जानते हो। हिडन एरिया में क्या होता है, अननोन टू अदर नॉन टू सेल्फ। इसमें आप दूसरों के बारे में कुछ नहीं जानते हो और अपने आप को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक जोहारी विंडो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब फॉर मोर कॉन्टेंट।